हेलो भाई, हेलो गाइस। अब देखो, हम लोग साइंस कर रहे हैं, क्लास 6 का साइंस कर रहे हैं और वही में आगे बढ़ रहे हैं। और अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 जो कि है, क्या है, फाइबर से फैब्रिक, मतलब कि फाइबर जो कि कपड़ा बनता है जिससे, उसी से ले रहा है जहाँ से कपड़ा बनाया जाता है, जो चीज़ से कपड़ा बनाया जाता है। इसलिए बोल रहा है, चैप्टर का नाम ही है फाइबर टू फैब्रिक, मतलब कि फाइबर से लेकर के कपड़ा बनने तक, ठीक है, कपड़ा बनने तक। तो चलो लेट ना करें और हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहली और बूझो वन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज, ठीक है। पहली और बूझो दो कोई हैं, या लड़का लड़की भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये क्या क्या है, ये दोनों ने क्या जीता है, साइंस क्विज जीता है, ठीक है भैया। क्या जीता है, साइंस क्विज जीता है, कल साइंस क्विज का कंपटीशन जीता है जो कि उसके स्कूल में हो रहा था, ठीक है। वो सब सारे बहुत एक्साइटेड हुए और ये डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ। और वो लोग ये डिसाइड किए कि जो हम प्राइज में जो मनी जीते हैं उससे क्या खरीदेंगे, कपड़ा खरीदेंगे, क्लॉथ्स खरीदेंगे अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है। बूझो और पहेली दो कोई हैं जो स्कूल में अपना साइंस कंपटीशन क्विज जीत चुके हैं। अब उन लोगों के पास जो पैसा मिला है, वो लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो हैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़ा खरीद लेंगे। व्हेन दे सॉ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल्स दे गॉट कन्फ्यूज, और जब वो लोग ढेर सारा एकदम क्लॉथ मटेरियल का वैरायटी देख लिए, बहुत सारा लार्ज मात्रा में उसका वैरायटी देख लिए कपड़े का, तो वो सारे के सारे कंफ्यूज हो गए, जैसे कि फिगर 3.1 में देख रहे हैं होंगे। यहाँ देखो, इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा, कपड़ा मतलब कि ढेर सारा कपड़ा है, वेराइटी शॉप है क्लॉथ का, ठीक है। तो वो लोग जब वेराइटी ऑफ क्लॉथ्स को देख चुके हैं तो वो कन्फ्यूज हो चुके हैं। दे गॉट एक्सप्लेन दैट सम क्लॉथ्स आर फैब्रिक वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक। अब वो लोग कह रहे हैं दे गॉट कन्फ्यूज एंड द शॉपकीपर एक्सप्लेन। अब जो शॉपकीपर, जो दुकानदार है, वो उन लोगों को क्या कहता है, एक्सप्लेन करता है कि जो देखो, कुछ क्लॉथ जो है वो फाइब्रिक है, कुछ जो है कॉटन है और कुछ जो है सिंथेटिक है। अब क्या होता है, देखो तीन तरह के का शॉपकीपर बता रहा है कि कुछ जो कपड़े हैं फैब्रिक है, दूसरा कुछ कॉटन से है, कुछ दूसरा सिंथेटिक है। लेकिन ही ऑल्सो हैड अ वुलन मॉफलर, उसके बाद उसके पास एक मॉफलर भी है, क्या है, वुलन मॉफलर भी है और शॉल भी है, ठीक है। शॉल जो ठंडों के दिनों में मॉफलर और शॉल का यूज़ किया जाता है। देयर वर मेनी सिल्क सारीज, और उसके साथ साथ बहुत सारा सिल्क का साड़ी भी है एज वेल, ठीक है। पहली और बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, अब वो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक महसूस कर रहे हैं। दे टच एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, अब वो सारे के सारे जितने भी कपड़े थे वो सबको टच कर करके देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। फाइनली अंत में दे बाउट आ वुलन मॉफलर एंड कॉटन साड़ी, और आखिरी में वो लोग क्या खरीदते हैं, एक वुलन मॉफलर खरीदते हैं और एक कॉटन का साड़ी खरीदते हैं, ठीक है। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहली और बूझो बिगेंस टू नोटिस वेरियस फैब्रिक इन देयर सराउंडिंग। अब जब वो लोग दुकान पर पहुंच चुके हैं और दुकान जब विजिट कर चुके हैं, तो उन लोग जो क्या देख रहे हैं कि अपने और देख रहे हैं कि बहुत सारा क्या है, फाइब्रिक्स है, ठीक है, वेरियस फाइब्रिक इन देयर सराउंडिंग, अपने आसपास बहुत सारा फाइब्रिक है। दे फाउंड दैट बेडशीट, जैसे कि वो लोग क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ फैब्रिक है वो देखो। हम लोग जो बेडशीट यूज़ करते हैं वो फैब्रिक है, ब्लैंकेट यूज़ करते हैं, कंबल, वो फैब्रिक है। उसके बाद कर्टेंस, जो हम लोगों को पर्दा होता है, घर का पर्दा होता है, डोर का पर्दा, खिड़की का पर्दा, ये सब जो है वो पर्दा, ठीक है। टेबल क्लॉथ, हम लोग टेबल पे जो क्लॉथ्स बिछाते हैं वो भी फैब्रिक है। टॉवल जो हम लोग यूज़ करते हैं नहाने के बाद, ठीक है। एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, डस्टर जो कि क्लास में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या क्या डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक हैं, ठीक है, फैब्रिक है। इवन देयर स्कूल बैग्स, इसके साथ साथ हमारा जो स्कूल बैग होता है और जो गनी बैग्स होते हैं, ये सारे के सारे भी क्या बने होते हैं, फैब्रिक के बने होते हैं, ठीक है। दे ट्राइड, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने की, पहचान करने की इस फैब्रिक को, फैब्रिक एज अब इस फैब्रिक को किस तरीके से पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पहला कॉटन के तरीके से, ठीक है, कॉटन है कि भैया कि ऊल है कि सिल्क है भैया कि सैंथेटिक है, ये चीज़ वो लोग पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कॉटन है कि वूल है कि सिल्क है कि सैंथेटिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या तुम भी कुछ फैब्रिक को पहचान पा रहे हो कि तुम्हारा जो बेडशीट है वो किस चीज़ का है, सिल्क का है, कॉटन का है, वूल का है, तुम्हारा जो कर्टन है घर का वो क्या किस चीज़ का है, ये सब चीज़ पहचानने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्या तुम भी कर रहे हो, अगर तुम भी कर रहे हो तो अच्छी बात है भाई कि तुम अपने दिमाग पे जोर डाल रहे हो, ठीक है। अब 3.1 पे जो है वेराइटी इन अ फैब्रिक,
ठीक है, फैब्रिक में ढेर सारा वैरायटी है। ठीक है, क्या क्या वैरायटी है फैब्रिक में वो देखो। फैब्रिक का मतलब ही होता है कपड़ा। कपड़ा हम लोग जो पहनते हैं, हम लोग पहनने में भी ढेर सारा जो है वैरायटीज होता है। कभी जीन्स, कभी शर्ट, कभी टी शर्ट, कभी फुल पैंट, कभी हाफ पैंट, कभी ये सब बहुत कुछ पहनते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत तरह का वैरायटीज होता है। ठीक है, अब कुछ एक्टिविटीज़ है, एक्टिविटीज़ को हम लोग करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, विजिट अ नियर बी टेलरिंग शॉप। ठीक है, एक टेलर के दुकान के पास जाओ और वहाँ से कलेक्ट करो जो कटिंग है फैब्रिक का, कपड़ा का जो कटिंग है जो वहाँ छूट जाता है सिलने के बाद, उसको कलेक्ट करो, जमा करो, और लेफ्ट ओवर जो कि वहाँ छूटा हुआ रहता है उसके बाद स्टिचिंग, ठीक है, उसके बाद उसको स्टिचिंग करो, खींचो, फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, महसूस करो हर एक, इसका जो ए दिख रहा है ब्लैक वाला, हर एक पीस को महसूस करो, खींचो। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज अ कॉटन, सिल्क, वूल और अ सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। ठीक है, अब अपने से और टेलर की मदद से ये फाइंड करो जो कपड़ा तुम कलेक्ट किए हो टेलर की दुकान से वो क्या है वो, और उससे लेबल करो। ठीक है, लेबल करो मतलब नाम लिखो उसमें कि वो सिल्क का कपड़ा है, कि कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, कि ऊल का कपड़ा है। ठीक है, ये सब चीज़ वहाँ से टेलर के दुकान से लाओ और इसको फील करो, टच करो, लेबल करो, नाम वो लिखो। ठीक है, कि कौन सा सिल्क है, कौन सा कॉटन है, कौन सा ऊल है। ठीक है, डू यू वंडर दैट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। क्या तुम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो फैब्रिक है, ये जो कपड़े हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं। व्हेन यू लुक एट द एनी फैब्रिक, जब कभी भी तुम किसी भी फैब्रिक को, किसी भी कपड़ा को देखते हो, इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। ठीक है, वो दिखाई पड़ता है एक पीस का। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये पीस अब बड़ा बन जाएगा तो उसके बाद हम लोगों का शर्ट बन जाएगा। ठीक है, ये इनलार्ज व्यू है पीस ऑफ फाइबर का, मतलब कि अगर यदि हम लोगों का ये कपड़ा है, ठीक है, तो कपड़ा का इतना छोटा सा पार्ट को काट के यहाँ पर दिखाया गया, इनलार्ज किया, इसलिए ऐसा धागा 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 जैसा दिख रहा है। देखो ब्लैक ब्लैक जो धागा धागा जैसा दिख रहा है इसलिए। ठीक है, नाउ लुक एट क्लोजली, अब उसको ध्यान से देखो, व्हाट डू यू नोटिस। ध्यान से देखेगा तो यही चीज़ दिखेगा ना कि एकदम देखो धागा 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 जैसा है, एकदम इसी तरीके से बना हुआ है धागा। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर टू क्या बोलता है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन कॉटन फैब्रिक। अब एक कॉटन का कपड़ा को सेलेक्ट करो। ठीक है, यू लेबल्ड इन एक्टिविटी नंबर वन, अब जिसे तुम एक्टिविटी नंबर वन टेलर के मदद से बनाए हुए थे, एक्टिविटी नंबर वन में जो टेलर की मदद से कपड़ा को लाए हुए थे टेलर की दुकान से और उस पर लेबल किए थे कॉटन का। ठीक है, तो चलो कॉटन का हम लोग एक कपड़ा ले लिए। नाउ ट्राई टू फाइंड लूज थ्रेड और यान एट वन ऑफ दिस एजेस एंड पुल इट आउट। अब यहाँ से जो कपड़ा लिए हो, अब वहाँ से कोशिश करो कि यहाँ से जो एक थ्रेड निकला हुआ है, एक जो पतला सा धागा निकला हुआ है उसको खींचने का कोशिश करो। ठीक है, इससे को खींचोगे, एक एक साइड से खींचते चले जाओगे तो एक यान बन जाएगा, गुच्छा बन जाएगा ढेर सारा कपड़ा का। इफ़ नो लूजेस यान आर विजिबल, अगर यदि नो लूजेस, देखो ऐसा खींचोगे ना तो कुछ इस तरीके से, देखो ये बंदा यहाँ से खींच रहा है और खींच रहा है तो ऐसा ऐसा धागा निकल रहा है। ठीक है, ऐसा ऐसा धागा निकल रहा है, पुलिंग थ्रेड फ्रॉम अ फैब्रिक, कपड़ा से थ्रेड को खींच रहा है। ठीक है, यार्न्स आर विजिबल, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद द पिन और अ नीडल, अगर नहीं खींचा रहा है तो किसी को भी पिन या नीडल से भी खींचने की कोशिश करो। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज अ मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टूगेदर, वॉट आर दिस यार्न्स मेड अप ऑफ। अब हम ये देखेंगे कि ये जो कपड़ा है वो बना हुआ होता है भैया किससे बना होता है, यार्न से। यार्न क्या होता है, ढेर सारा धागा को मिला देते हैं और जब कपड़ा बन जाता है उसी को भैया यान कहते हैं, ढेर सारा धागा को मिला देते हैं तो उसी को यान कहते हैं। और फिर ये छोटे सा छोटे ढेर सारा ये जो छोटा छोटा जो चीज़ है इसको ढेर सारा मिला देंगे तो फिर वो पीस ऑफ फैब्रिक बन जाएगा, और फिर ढेर सारा पीसेस ऑफ फैब्रिक मिला देंगे तो कपड़ा बन जाएगा। ठीक है, अब एक्टिविटी नंबर थ्री, ठीक है, जिसमें हम लोग फाइबर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फाइबर जो कि कपड़ा बनाता है। ठीक है, एक्टिविटी नंबर थ्री, टेक आउट यान। ठीक है, यान को निकालो फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, कॉटन का कपड़ा से एक यान निकालो। ठीक है, प्लेस दिस पीस ऑफ यान ऑन अ टेबल, अब फिर एक यान को रख दो टेबल पे। ठीक है, एक दो यान को रख दो टेबल पे। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यान विथ योर थंब एंड स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ द यान अलोंग इट्स लेंथ विथ योर नेल एज सोन इन फिगर 3.4। डू यू फाइंड दैट दिस एंड द यान स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि एक तरफ देखो इसे थंब से अंगूठे से दबा दो
और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे मोड़ो, ऐसे ऐसे मोड़ो, ठीक है। स्प्लिटिंग द यार्न्स इनटू द थिन स्ट्रैंड्स, ठीक है। यार्न स्प्लिट अप इनटू थिन यार्न, अब ऐसे ऐसे घुमा देना है, ठीक है। घुमाने के बाद देखो कि ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि दो लिया, एक एक यार्न, ये दो यार्न। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो है थम से इसको एक वाले को दबा दो, ठीक है, एक तरफ दबा दो, तो ये भी दब जाएगा, ये भी दब जाएगा। अभी इसको घुमाने लग जाओ, घुमाने लग जाओ, तो ये इसमें घूम घूम के ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग, तो तुम्हें कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा। सिमिलर, कब, जब कभी, वेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्रेटेड इन टू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। दिस मिस्टेक इज इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड्स दैट वी सी आर मेड अप ऑफ अ स्टील थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स, ठीक है। क्या बोल रहा है, अब कभी इसको नीडल्स में डालने की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो बोल रहा था कि कपड़ा को निकालो और या नहीं निकाल पाते हो तो नेल या नीडिल का प्रयोग करो, तो जब कभी निकालोगे और जब वो कपड़ा को नीडिल में डालने की कोशिश करो, नीडिल मतलब कि सुई, जो हम लोग के घर में मम्मी लोग यूज़ करती है सुई, ठीक है, पतला सा होता है, यहाँ हल्का सा जगह होता है और इसमें डालने बोल रहा है, तो इसमें जब डालोगे तो महसूस करोगे कि डालने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रहा है। क्यों आ रहा है भैया डिफिकल्टी, क्योंकि वो काफ़ी पतला होता है और जो स्टील थिनर होता है उसे ही, वो जो है वही स्टैंडर्ड्स का जो बना होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर्स बनाते हैं। जो थिन, ये जो थिन इसमें जो डाल रहे हैं, वो जो थिन हम लोगों को नीडिल में डालने में जो दिक्कत आ रहा है और जो चीज़ वो चीज़ जिस चीज़ से बना हुआ है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, फाइबर्स कहते हैं, ठीक है। अब ढेर सारा फाइबर्स मिलाएंगे तो फैब्रिक बन जाएगा। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ अ यार्न्स, फैब्रिक जो है किस चीज़ का बने होते हैं भैया, यार्न का। एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ अ फाइबर्स, ठीक है। और वेयर डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, देखो फाइबर सबसे पहले बनता है, फाइबर से फिर भैया बनता है यार्न, और यार्न से फिर बनता है फैब्रिक, ठीक है। लेकिन ये फाइबर्स आते कहाँ से हैं, ठीक है, लेकिन ये फाइबर्स आते कहाँ हैं, कहाँ से हैं, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। वेयर डज दिस फाइबर कम्स फ्रॉम, फाइबर्स कहाँ से आते हैं। द फाइबर सम फैब्रिक सच एज, कुछ फाइबर्स और सम फैब्रिक सच एज, जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, और जैसे कि ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से भैया, प्लांट और एनिमल से। ये सारे के सारे क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर्स होते हैं। तो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं भैया, कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, तो कुछ तो प्लांट से किए जाते हैं, कुछ तो प्लांट से किए जाते हैं और कुछ एनिमल से किए जाते हैं, ठीक है। और इन सबको क्या कहते हैं हम लोग, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। कॉटन और जूट दो एग्जाम्पल हैं जो कि फाइबर, इन दो एग्जाम्पल है फाइबर के, जो कि कहाँ से निकाले जाते हैं, प्लांट से, ठीक है, प्लांट से, क्लियर है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। ऊल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ऊल और सिल्क, जो ऊल होता है और जो सिल्क होता है वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एनिमल से। ऊल जो है, ऊल ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द प्लीस ऑफ अ सीप और अ गॉट, ठीक है। सीप और गॉट, देखे वो बकरी और भीड़, उसके शरीर पे जो लंबा लंबा बाल होता है वही चीज़ उसका सिल्क, उसी को कहते हैं सिल्क, ठीक है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हायर ऑफ अ रैबिट्स, याक एंड द कैमल्स, और इसके साथ साथ जो रैबिट है, रैबिट के शरीर से ऊपर में जो बाल होता है वहाँ से भी ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। हेयर जो होता है रैबिट का, जो ऊपर का बाल होता है उसे भी, उससे भी ऑब्टेन किया जाता है। याक जो देखोगे बैल के जैसा ही होता है, बड़ा बड़ा होता है, लेकिन बैल के जैसा बड़ा होता है और उसमें लंबे लंबे बाल निकले होते हैं उससे, और कैमल्स देखे होंगे भाई। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है। सिल्क फाइबर जो है वो कहाँ से लिया जाता है, सिल्क वॉर्म से लिया जाता है, ठीक है। सिल्क वॉर्म से ड्रॉन किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है, कोकून से, कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म, ठीक है, कि सिल्क वॉर्म का छोटा छोटा बच्चा जो होता है या उसी से। 4,000 ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर्स वर ओनली ओन्स अवेलेबल फॉर मेकिंग फाइबर्स, कहता है कि पहले 1,000 ऑफ ईयर, बहुत सालों के पहले की बात कर रहा है, पहले सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल होता था फाइबर्स, ओनली वंस अवेलेबल, एक बार होता था बनाने के लिए फाइबर्स। इन द लास्ट 100 ईयर्स सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड अप फ्रॉम केमिकल, पहले सिर्फ नेचुरल मेथड ये होता था, लेकिन अब 100 ईयर पहले, कुछ सालों के बाद,
जो है वो क्या हो रहा है, केमिकल से भी कपड़े बनने लग रहे हैं। ठीक है, अब देखो बूझो क्या है, इसके दिमाग में क्या आ रहा है वो देखो। बूझो हैज सीन इन द म्यूजियम, बूझो जो है वो म्यूजियम कभी गई होगी और म्यूजियम में वो क्या देखती है, आइटम लाइक द वन सोन हेयर, ऐसा आइटम देखती है, ये जो दिख रहा है यहाँ पर ऐसा आइटम दिखती है। दीज वर वॉर्न बाई द वॉरियर, ये सारे जो ये जो दिख रहा है ये किसके जरिए पहना जाता था, वॉरियर जो योद्धा होते थे उनके जरिए जो युद्ध करते थे उनको वो लोग इसे पहनते थे। ही वॉन्ट्स टू नो, अब ये जानना चाहती है, इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फाइबर, क्या ये किसी भी तरह का फाइबर्स का बना हुआ है। हाँ जी, जूट से बना हुआ है। ठीक है, क्या चीज़ से बना हुआ है, जूट से बना हुआ है। ठीक है, और इसका सोर्स क्या है भैया, प्लांट्स है। ठीक है, जूट से का बना हुआ है, प्लांट सोर्स है। सब्सटेंस विच आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स, वैसे सब्सटेंस जो कि नहीं ऑप्टेन किए जाते हैं प्लांट्स और एनिमल सोर्स से, इन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। ठीक है, ना ही एनिमल्स और ना ही प्लांट्स, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर, जो कि ना कि एनिमल से और ना ही फाइबर से, सॉरी ना ही एनिमल से और ना ही प्लांट से, उन्हें हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नाइलॉन्स और आर्किलिक। ठीक है, कुछ पॉलिस्टर कुछ सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है जैसे कि पॉलिस्टर नायलॉन और आर्किलिक। ठीक है, ये सब कुछ जो है सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं सम प्लांट फाइबर्स। ठीक है, प्लांट्स के कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे प्लांट से हमें फाइबर्स मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। ठीक है, कॉटन सबसे पहला, कॉटन। ठीक है, कॉटन, हैव यू एवर मेड्स विक्स फॉर अ ऑयल लैम्प्स। ठीक है, अब भैया तुमके दिमाग में ख्याल आएगा कि विक्स क्या होता है, विक्स क्या होता है, विक्स बताओगे तब तो हम कभी बताएं। बात ही देखो, हम लोग जो है पहले के ज़माने में जब कभी भी इतना इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, लाइट नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, तो हम लोग मोमबत्ती भी कम ही हुआ करता था, तो उस वक्त हम लोग लैम्प बनाते थे। ठीक है, लैम्प बनाते थे और लैम्प के लिए हम लोग को चाहिए होता था एक धागा। ठीक है, एक धागा चाहिए होता था, धागा मतलब कि धागा, गुच्छा ऑफ धागा, जिसे हम बाती के नाम से गांव देहात में जानते हैं, बाती। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि तुमने कभी विक्स बनाया है लैंप्स के लिए, विक्स बनाया है, बाती बनाया है। व्हाट डू यू सी फॉर मेकिंग दिस विक्स, तुम क्या देखते हो जब कभी भी बाती बना रहे होते हो तो क्या देखते हो। दिस कॉटन वूल इज ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैटरसेस क्वालिटीज और पिलो। ठीक है, उसके बाद देखो बोल रहा है कि जब कभी भी तुम बाती बनाते हो उस वक्त क्या देखते हो, ये ध्यान में रखना क्वेश्चन, अभी इसका आंसर आगे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कॉटन का यूज़ हम लोग जो मैट्रेसेस रखते हैं, ठीक है, और ये क्वाइट तकिया बनाते हैं, ये सब चीज़ में हम लोगों को यूज़ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, जो क्या बनाते हैं, तकिया बनाते हैं, जो हम लोग जब सोने के लिए तकिया यूज़ करते हैं, मैट्रेसेस यूज़ करते हैं, गद्दा जो यूज़ करते हैं, इसमें भी क्या यूज़ होता है, कॉटन का यूज़ होता है। टेक सम कॉटन वूल, अब कुछ कॉटन वूल लो और पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। ठीक है, कुछ कॉटन वूल लो और उसको एक पार्ट से खींचना चालू करो, ठीक है, और उसका एजेस को देखो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ अ कॉटन फाइबर, तो तुम यह देख पाओगे कि ये जो छोटे छोटे चीज बने हुए हैं वो किस चीज़ से बने हुए हैं, कॉटन से बने हुए हैं। वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम, अब ध्यान में यह आएगा कि भैया कॉटन कहाँ से आता है। ठीक है, कॉटन कहाँ से आता है, वेयर डज द कॉटन वूल कम फ्रॉम, कॉटन का जो वूल है वो कहाँ से आता है, तो इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये कहाँ उगाया जाता है, फील्ड में उगाया जाता है, खेत में उगाया जाता है। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट अ प्लेस हैविंग द ब्लैक सॉइल, कॉटन वहाँ उगाया जाता है जहाँ पर क्या होता है, ब्लैक सॉइल होता है। कहाँ पर भैया, ब्लैक सॉइल, कॉटन ज़्यादातर कहाँ उगाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक सॉइल होता है और गर्म क्लाइमेट होता है, वार्म क्लाइमेट होता है। कैन यू नेम सम स्टेट, क्या तुम्हें कोई स्टेट मालूम है हमारे कंट्री का जहाँ पर कॉटन ग्रोन किया जाता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स कॉटन बॉल्स, ठीक है, जो कॉटन का फ्रूट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉटन बॉल कहते हैं, कॉटन बॉल्स। ठीक है, और कॉटन बॉल कहते हैं जो फ्रूट होता है कॉटन का, उसे क्या कहते हैं, कॉटन बॉल्स कहते हैं। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, जो कि लेमन साइज का होता है। आफ्टर नेचुरिंग द बॉल्स, अब सॉरी मैच्योरिंग द बॉल्स, आप जब पक जाते हैं, पूरा मैच्योर हो जाते हैं बॉल्स, तो ब्रस्ट होने लगते हैं, फटने लगते हैं ओपन, ये किससे कि ये फट चुका है और इससे देखो कॉटन निकल चुका है। ठीक है, ये फट चुका है और कॉटन निकल चुका है।
ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन, और ठीक है, और जो सीड कवर्ड होता है कॉटन फाइबर से वो दिखने लगता है. हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड एट फील्ड दैट इज रेडी फॉर द पैकिंग. तुमने क्या कभी कोई खेती देखा है जिसमें कॉटन जो है पैकिंग करने के समय में आ गया? तो भैया ये देखो फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ठीक है, ये सब अब तोड़ने के लिए, पिकिंग करने के लिए तैयार हो चुका है. ठीक है, इससे अब सब कॉटन निकाल लिया जाएगा. ठीक है, फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज यूजली पिक्ड बाई हैंड. ये जो बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हाथ से ही निकालता है ज़्यादातर. ठीक है, फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स. अब फाइबर्स वो उन कपड़ों को, वो जो फाइबर्स होते हैं सीड्स के, सीड्स में जो फाइबर्स लगे होते हैं उनको हाथ से निकालता है और सेपरेटेड करता है सीड से. ठीक है, बाई कॉम्बिंग. ये देखो कॉम्बिंग, हम लोग बाल झाड़ते हैं तो क्या करते हैं, बाल बनाते हैं ना, तो बाल बनाने के दरमियान कुछ कुछ जो डस्ट वस्ट भी होता है बाल में वो भी निकल जाता है. ठीक है, तो ये कॉम्बिंग कर रहा है. ठीक है, कॉम्बिंग कर रहा है मतलब कि सेपरेट कर रहा है. कैसे कर रहा है? द प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ अ कॉटन. ठीक है, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड. गिनिंग जो है हाथ से, देखो सेपरेशन कर रहा है ना, ये कॉम्बिंग कर रहा है, तो कॉम्बिंग ऑफ कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग. ठीक है, गिनिंग कर रहा है, कॉम्बिंग कर रहा है अगर कॉटन का तो उसे गिनिंग कर रहा है. पहले क्या होता था, जनरली हाथ से किया जाता था ये. ठीक है, लेकिन अब जो है दिस डेज मशीन आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग. ठीक है, आज के जन्म में क्योंकि बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है तो भाई मशीन का यूज़ होने लगा. ये देखो बंदा जो है कॉम्बिंग कर रहा है, गिनिंग कर रहा है कॉटन का. ठीक है, कॉटन समझ में आ गया. ठीक है, अब जूट, जूट के बारे में पढ़ते हैं भैया. जूट क्या है? जूट एक फाइबर है जो कि ऑप्टेन किया जाता है कहाँ से? फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट. जूट प्लांट से ऑप्टेन किया जाता है. फिगर 3.8 में दिख रहा है कि जूट प्लांट है. ये किस चीज़ का भैया? जूट प्लांट है. इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. कब किया जाता है? ये रेनी सीजन के दरमियान किया जाता है. ठीक है, कहाँ पर? तो इन इंडिया में जूट इज़ अ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल. जूट ज़्यादातर वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम. ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार और आसाम के ओर में उगता है. द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट अ फ्लावरिंग स्टेज. जूट प्लांट को तब हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है जब कभी भी, जब जब वो फ्लावरिंग स्टेज में रहता है. ठीक है, फ्लावरिंग स्टेज में ही जूट को काट दिया जाता है. द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन द वाटर फॉर अ फ्यू डेज. अब जो है हार्वेस्टेड स्टीम होता है प्लांट, हार्वेस्टेड जो स्टीम होता है प्लांट्स का, उसको कुछ दिनों के लिए पानी में रख दिया जाता है. ठीक है, द स्टीम्स रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड. और स्टीम का जो रूट होता है और फाइबर्स होता है उसे किस चीज़ से? हाथ से सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है. ठीक है, मेकिंग यार्न फ्रॉम कॉटन. देखो ये कॉटन बना रहा है यार्न से. ठीक है, टू मेक फाइबर्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इंटू यार्न. हाउ इट इज़ डन? पहले, ठीक है, कपड़ा बनाने के लिए, फैब्रिक बनाने के लिए पहले फाइबर्स को यार्न से अलग करना होता है. ठीक है, हाउ इज इट डन? ये देखो हाथ से कर रहा है. 3.4 स्पिनिंग कॉटन यार्न. ठीक है, स्पिनिंग कर रहा है, स्पिनिंग कॉटन यार्न जो कि चरखा से किया जाता है, जो कि गांधी जी भी यूज़ किया करते थे. ठीक है, देखते हैं अब एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं. यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ. तुम कॉटन यार्न बनाने की कोशिश कर सकते हो खुद से. तो क्या कर, खुद से बनाना है तो क्या करना है? कॉटन बाउल लेना है, कॉटन बाउल से कॉटन को निकाल लेना है, उसके बाद उसको छोटा छोटा पीसेस कर लेना है, और उसके बाद उसको ऐसे गोल गोल घुमाते जाना है और लंबा बनाते जाना है. ठीक है, यार्न बन जाएगा. एक्टिविटी नंबर 4, होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड. कुछ कॉटन वूल को अपने हाथ में रखो. पिंच सम कॉटन बिटवीन द थम्स और फोर फिंगर्स ऑफ द अदर हैंड. ठीक है, कुछ फैला लो, पिंच कर लो एक फोर हैंड में, मतलब कि थम में और फिर फोर फिंगर तक. और क्या करना है? नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट ऑफ द कॉटन. और धीरे धीरे उसको खींचना चालू करो. वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग. अब घुमाते जाओ और द फाइबर्स को घुमाते जाएगा. तो फिगर 3.9 में देख रहे होगे. फिगर 3.9 में देखो, ये खींच लिया, पहले एक हाथ से पकड़ा खींचा, उसके बाद दूसरे हाथ से भी पकड़ के खींचा, अब इसको ऐसे ऐसे घुमा रहा है. ठीक है, घुमाते ये क्या बन जाएगा? यार्न बन जाएगा. ठीक है, यार्न बन जाएगा. आर यू एबल टू मेक अ यार्न? जी हाँ, हम लोग बना लेंगे जी. अब द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग. अब जो फाइबर, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या बना रहे हैं, यार्न बना रहे हैं, कहाँ से यार्न बना रहे हैं,
फाइबर से यार्न बनाने हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, एक प्रक्रिया जिसमें हम लोग यार्न बना रहे हैं उसे ही स्पिनिंग कहते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन, ठीक है। इस प्रोसेस में इस दरमियान क्या होता है कि जो फाइबर्स होते हैं उससे कॉटन वूल आर ड्रॉन, जिससे क्या होते हैं कॉटन वूल को खींचे जाते हैं और ट्विस्टेड उसको घुमाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर फॉर्म अ यार्न, अब ये जो फाइबर्स हैं एक फॉर्म देंगे उसे हम लोग यार्न कहते हैं, ठीक है। अ सिंपल डिवाइस जो कि यूज किया जाता है स्पिनिंग करने के लिए, एक डिवाइस जो कि यूज किया जाता है स्पिनिंग के लिए, और हैंड स्पिंडल भी उसको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टकली, ठीक है, टकली। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर आर स्पिनिंग इज अ चरखा, ठीक है, ये देखो टकली, ठीक है, ये इसका ही इस्तेमाल किया जाता है स्पिनिंग करने के लिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो होता है वो चरखा होता है, गांधी जी से बहुत ही मिल, ये गांधी जी से बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे इसका। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज बाई महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ही इनकरेज पीपल टू वेयर, ठीक है। ये आज़ादी के दरमियान ज़्यादा ही इस महात्मा गांधी के जरिए चरखा यूज़ किया गया, और साथ ही बता रहा कि ये इनकरेज करता था पीपल्स को, साहस करता था कि भैया क्लॉथ्स मेड अप ऑफ अ होम स्पून यान टर्म एज अ खादी, अब जो घर में वो बनाते थे होम स्पून से यान के उसे खादी का नाम दिए थे, ठीक है। सुन इम्पोर्टेड क्लॉथ्स मेड इन द मील्स ऑफ अ ब्रिटेन्स, ठीक है, टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, खादी को पॉपुलराइज करने के लिए, जो जो चीज़ ज़्यादा बनेगा वही चीज़ पॉपुलराइज होगा, ठीक है। तो खादी को ज़्यादा पॉपुलराइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अ बॉडी कॉल्ड खादी, ठीक है, उसे क्या नाम दिया खादी, एंड द विलेज इंडस्ट्री कमीशन इन 1956 में एक कमीशन बना, ठीक है, इसको पॉपुलराइज करने के लिए, प्रमोट करने के लिए खादी को। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स, ठीक है। लार्ज स्केल में स्पिनिंग ऑफ यार्न करना है तो वो किसके मदद से होता है, ठीक है, मशीन्स की मदद से। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फाइबर, उसके बाद स्पिनिंग कर लेते थे यार्न्स बना लेते थे तो उसको फिर यूज़ किया जाता था क्या बनाने में, फैब्रिक बनाने में, कपड़ा बनाने में, ठीक है। अब देखो यान तक क्लियर हो गया भैया, यान तक समझ में आ गया, यान टू फैब्रिक, यान टू फैब्रिक करना है, अब यान से हमें कपड़ा पूरी तरीके से कम्प्लीटली बनाना है, ठीक है। देयर आर मेनी वेज बाई विच फाइबर्स आर मेड अप मेड फ्रॉम यान, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम लोग फैब्रिक से यान बनाते हैं, ठीक है। द टू मेन प्रोसेस वर वीविंग एंड नीटिंग, ठीक है, दो मेन प्रोसेस हैं जिससे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं यार्न से, ठीक है, यार्न से क्या बनाते हैं फैब्रिक बनाते हैं, तो दो मेन प्रोसेस है, पहला वीविंग और दूसरा है नीटिंग, ठीक है। वीविंग क्या होता है एक्टिविटी नंबर टू में हम लोग देख चुके हैं, एक्टिविटी नंबर टू क्या है भैया, एक्टिविटी नंबर फिर से एक बार रिव्यू कर लो, एक्टिविटी नंबर टू कहाँ गया, एक्टिविटी नंबर टू, ठीक है, ये एक्टिविटी नंबर टू देखो यहाँ से खींचा है ना वही वाला, ठीक है। यार्न कैसे बनाता था, वो एक कॉटन लेना है फैब्रिक का, जो कि हम लोग कोई भी चीज़ अगर लिखे हैं एक्टिविटी नंबर वन में, उसके बाद उसको लूज करना है, उसके बाद उसको एजेस को पुल आउट करना है और उसे घुमाते जाना है, ठीक है, ये चीज़ था। उसके बाद क्या था भैया, देख चुका है, मेड अप ऑफ टू सीट्स ऑफ अ यार्न्स अरेंज टुगेदर, दो सीट्स ऑफ यार्न को अरेंज करना है टुगेदर, पहला ये पहला हाथ, ये दूसरा हाथ, और एक और लेना है यहाँ पर, इसको थंब से दबा देना है और ये इसको फिर ऐसे खींच के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देना है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सीट्स ऑफ यार्न टुगेदर मेक अ फाइबर फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, अब यही जो किए अभी हम लोग घुमा, एक को दूसरे पर घुमा घुमा के या दूसरे को दोनों को साथ में घुमा घुमा के हम लोग जो बनाए हैं उसे ही क्या कह रहे हैं हम लोग, वीविंग का नाम दे रहे हैं। लेट अस ट्राई टू वेव सम पेपर स्ट्रिप, ठीक है, पेपर स्ट्रिप का कुछ देखो भाई, अगर वीविंग सीखना है, ठीक है, प्रैक्टिकली, तो घर में या बुक में अभी जब कभी जहाँ वगैरह पे बैठे हो तो पेज फाड़ना, पेज अगर ये एक पेज है तो इसका दो हिस्सा करना, अब इसको पहले गोल गोल फोल्ड कर देना, ठीक है, और इसको भी गोल गोल फोल्ड कर देना, अब अलग अलग, अब फिर ये वापस में दोनों को गोल गोल घुमा देना, ठीक है, वही हो जाएगा वीविंग। एक्टिविटी नंबर फाइव, टू टेक टू सीट्स, दो सीट्स पेपर के लो, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के, अलग अलग कलर्स के, और कट स्क्वायर पीसेज ऑफ लेंथ एंड वेथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ईच, अब 30 सेंटीमीटर दोनों ही काटना है, ठीक है। उसके बाद नाउ फोल्ड बोथ साइड इन टू हाफ, दोनों ही साइड हाफ आप फोल्ड कर दो जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, लाइन एज अ सोन इन द फिगर 3.A, जैसा कि फिगर 3.A में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है ना, दो पेपर लो, दोनों को अलग अलग काट दो और फोल्ड कर दो, एंड ऑन द अदर
एंड ऑन द अदर एज सोन इन फिगर 3.B, ठीक है, 3.B में दिख रहा है दूसरा, कट बोथ द सीट्स अलॉन्ग द डॉटेड लाइन्स एंड देन अनफोल्ड वेव एंड स्ट्रिप्स वन बाई वन थ्रू द कट्स इन द सीट ऑफ पेपर एज सोन इन फिगर 3.12C, ठीक है, और डी। उसके बाद कट करने बोल रहा है, ठीक है, ये देखो घुमाने, ये अलग डिज़ाइन का कपड़ा बना दे रहा है, ठीक है, कपड़ा नहीं ये कलर बना रहा है। पहले को काट दिया, देखो ये पहला को काटा, ठीक है, एक डॉटेड डॉटेड जगह बना लिया था, वहाँ से काट दिया था, और अब वहाँ से दूसरा को निकाल रहा है, ठीक है। शोज द पैटर्न आफ्टर वीविंग ऑल द स्ट्रिप। अब ये जो है इसमें पूरी के पूरे कंप्लीट पैटर्न दिखा दिया कि कैसे वीव हुआ, ठीक है। अब हैंडलूम, ठीक है, फिगर 3.3 हैंडलूम के बारे में बता रहा है। इन सिमिलर मैनर, उसी तरीके से टू सेट्स ऑफ यान आर वुबन टू मेक अ फैब्रिक। इसी तरीके से सेम दो यान को यूज़ किया जाता है और कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। द यान्स आर मच थीनर, यान्स जो होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, हमारे पेपर स्ट्रिप से भी पतले होते हैं, ठीक है, पेपर क्रॉस भाई उसमें लिखा जाता है तो मोटा होता है, और धागा जो है बहुत ही पतला होता है, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा, जब कभी भी नीडल में तुम एक धागा घुसाने की कोशिश करो तो उस वक्त पता चल जाता है कितना पतला होता है, ठीक है। वीविंग ऑफ अ फैब्रिक इज डन ऑन द लूम्स, ठीक है, जो वीविंग होता है फैब्रिक का, उसको वो कहाँ पर डन होता है, तो लूम्स पर होता है भैया, ठीक है, कहाँ पर, लूम्स पर होता है, और लूम्स क्या होता है, कार्गो, ठीक है, ये इसी पर, ये जो दिख रहा है इस पर। द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड, ठीक है, लूम्स जो होता है क्या, या तो हैंड से भी ऑपरेट किया जा सकता है या तो फिर मशीन से भी, ठीक है। अब वीविंग देख लिए कैसे एक पेपर के माध्यम से, दो पेपर के माध्यम से हम लोग प्रैक्टिकल कर लिए। अब नीटिंग, ठीक है, नीटिंग क्या होता है, हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर आर नाइटेड, तुमने कभी नोटिस किया कि स्वेटर कैसे बनाया जाता है भैया। ए नाइटिंग अ सिंगल यान, ठीक है, नाइटिंग अ सिंगल यान इज, नाइटिंग अ सिंगल यान इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, जैसा कि फिगर 3.14 में देख रहे होंगे। नाइटिंग बुनाई जो होता है, हम लोग के घर में जो होती हैं माँ या बहनें, वो लोग, ये लोग ठंडा के दिन में काफ़ी बुनते हुए नजर आएंगी, ठीक है, तो नीटिंग कर रही हैं होती हैं, ठीक है। हैव यू एवर पुल्ड द यान फ्रॉम अ टॉर्न पेयर ऑफ अ सॉक्स, ठीक है, तुम कभी भी अपने सॉक्स के मोजे से एक पेयर ऑफ, मतलब कि एक यान को खींचे हो, व्हाट हैपेंस, क्या होता है, अ सिंगल यान गेट्स पुल्ड आउट कंटिन्यूसली, एक सिंगल यान जो होता है एकदम लंबा खींचाते चला जाता है, लंबा वो टूटता नहीं है, बहुत लंबा निकलता है। एज द फैब्रिक गेट्स अनरिवेल्ड, सॉक्स एंड द मेनी अदर क्लॉथिंग आइटम्स आर मेड अप ऑफ नाइटेड फैब्रिक, नाइटिंग इज डन बाय द हैंड एंड ऑल्सो ऑन द मशीन, नाइटेड हाथ से भी डन किया जाता है। ये देखो इतना लंबा गुच्छा होता है भाई, ठीक है, इतना लंबा गुच्छा होता है और इससे पूरा ही पूरा ये बना होता है। अब अगर यहाँ से ये खींचेंगे ना, तो यहाँ से जितना ही गुच्छा से इसमें जितना यूज हुआ रहता है, तो ये उतना लंबा निकलेगा और ये लंबा ढेर सारा निकलेगा, ठीक है, और ये मे भी ऐसा एक पूरा गुच्छा बना देगा, ठीक है, इतना लंबा होता है, क्लियर है, क्लियर है। ये मशीन से भी बनाते हैं और ज़्यादा हाथ से भी बनाते हैं, गांव में हाथ से यूज़ किया जाता है इसका, ठंडों के दिनों में औरतें बनाती रहती हैं, ठीक है। पहली वॉन्ट्स टू नो, पहली ये जानना चाहती है, इफ़ यू हैव द सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड अप ऑफ अ फाइबर्स ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ अ कोकोनट, व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, ठीक है, कहता है कि पहली ये जानना चाहती है कि इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक्स, ठीक है, कोई कपड़ा देखे हो जो कि में बना होता है फाइबर्स का, ऑन द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, कोकोनट के आउटर कवरिंग जैसा हो, व्हाट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज्ड फॉर, वो फाइबर्स क्या होते हैं, कहाँ पर यूज्ड होते हैं, ये चीज़ का जवाब दो भैया, जवाब दे देना भाई। वीविंग एंड नाइटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फाइबर्स, ठीक है, कहता है वीविंग और नाइटिंग जो है यूज किया जाता है अलग अलग तरह के कपड़े को बनाने के लिए। दिस फाइबर्स आर यूज फॉर वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग्स आइटम, इस जो फैब्रिक है, ये जो फैब्रिक है वो बहुत ही अलग अलग वेराइटीज ऑफ कपड़ा को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब 3.6 जिसमें हम लोग हिस्ट्री देखने वाले हैं क्लॉथिंग मेटेरियल्स का, कैसे कैसे कपड़ा बनना चालू हुआ, ठीक है, क्लियर है, देखते हैं। हैव यू एवर वंडर, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है, वॉट मेटेरियल्स पीपल यूज इन एंशियंट टाइम्स फॉर अ क्लॉथ्स, एंशियंट टाइम्स में हमारे पूर्वज के भी पूर्वज बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले, लगभग 2 मिलियन ईयर अगो या 150 मिलियन ईयर अगो, वो लोग क्या पहनते थे, ठीक है, क्या चीज़ का कपड़ा बनाते थे, चलो देखते हैं। इट अपियर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड द बीक लीव्स, ठीक है, उस समय क्या होते थे कि जो लोग होते हैं वो क्या पहनते थे,
बाग पहनते थे, मतलब कि पेड़ के छिलके पहनते थे, बड़े बड़े पत्ते पहनते थे ट्रीज़ के, ठीक है, और एनिमल्स के स्किन पहना करते थे, एनिमल्स के बाल पहना करते थे, फर्श बाल कहते हैं, अपने आप को ढकने के लिए, ठीक है। लेकिन आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, लेकिन धीरे धीरे एक आता है कल्चर आता है जिसे हम लोग एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ कहते हैं, धीरे धीरे वो लोग आगे बढ़ते हैं और एग्रीकल्चर कम्युनिटीज आते हैं, वो तब क्या होता है, वो लोग सीख जाते हैं, दे लर्न टू वीव एंड ट्विंग्स एंड ग्रास इन टू द मैट्स एंड द बास्केट्स, ठीक है। उसके बाद वो लोग ट्विंग्स मतलब कि कुछ कुछ बनाने चालू कर देते हैं कपड़े लोग, ठीक है। वाइन्स एनिमल्स फ्लीस और द हाई हेयर व ट्विस्टेड टुगेदर इन टू अ लॉन्ग स्टैंडर्स, ठीक है। जो एनिमल्स का फ्लीस होता है, हेयर होता है, वो लोग को वो क्या करते हैं, ट्विस्ट कर ले लगते हैं, मोड़ने लगते हैं एक साथ, और उसे लंबा स्ट्रैंड्स बनाने लगते हैं, और दिस वर वूवन इन टू अ फैब्रिक, और उसे वही चीज़ क्या बनने लगता है, फैब्रिक बनने लगता है, कपड़ा बनने लगता है। द अर्ली इंडियंस वोर फैब्रिक मेड ऑफ आउट ऑफ अ कॉटन दैट ग्रीव इन द रीजन नियर द रिवर गंगा, जो क्या बताया था, जो अर्ली इंडियंस थे, जो पहले के जो इंडियंस थे, वो फैब्रिक ज़्यादा पहनते थे, जो कि किस चीज़ का बना होता था, कॉटन का बना होता था, और ये कॉटन आसानी से मिल जाता था हमारे गंगा रिवर के रीजन में, ठीक है। उसके बाद होता है फ्लैक्स इज अ प्लांट दैट गिव्स अ नेचुरल फाइबर, ठीक है। फ्लैक्स एक प्लांट था, ठीक है, फ्लैक्स जो है, फ्लैक्स एक प्लांट था जो हम लोगों को नेचुरल फाइबर्स, हम लोगों को नहीं, हम लोगों के एंशियंट को नेचुरल फाइबर्स देता था। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज अ फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नील, ठीक है। कौन से रिवर के भैया, नील रिवर के सामने, नील रिवर के करीब में जो फ्लैक्स था और जो कॉटन था वो मिल जाया करता था, वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक, जिसे कपड़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता था। इन दोज डे स्टिचिंग वेज नॉट नोन, ठीक है, उस समय स्टिचिंग का नाम कोई नहीं जानता था, पीपल सिंपली ड्रैप्ड एंड द फाइबर्स फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, ठीक है। पीपल जनरली रैप करते थे, ड्रैप करते थे, और वो लोग कपड़ा कपड़े जैसा मतलब कि ऐसे ही ओढ़ लेते थे, पहन लेते थे अपने बॉडी में। मेनी डिफरेंट वेज ऑफ अ ड्रैपिंग फाइबर, ठीक है, बहुत ही अलग अलग तरह के प्रोसेस आते रहे, ठीक है। और कहाँ थे, हाँ, ड्रैपिंग फाइबर्स वर यूज विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विमिंग नीडल्स, ठीक है, नीडल्स, स्विमिंग नीडल्स, बुनाई वाले नीडल्स, ठीक है। पीपल स्टार्ट स्टिचिंग, अब उन लोग बुनना चालू कर दिया, फाइबर्स बनाने लगे, ठीक है, क्लॉथ बनाने लगे। स्टिचेज क्लॉथ हैव गॉन थ्रू मेनी वेरिएशन, अब बहुत ही तरह तरह के कपड़े बनाने लगे सिंस दिस इन्वेंशन, ये जो इन्वेंशन हुआ स्टिचिंग का नीडल्स से, ठीक है। और उसके बाद क्या बनने लगा, ये लोग बहुत सारा कपड़ा अलग अलग तरीके बनाने लगे। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज एज एन अनस्टिचेज पीस ऑफ अ फाइबर, ठीक है। लेकिन कहता है इज नॉट अमेजिंग, क्या ये एकदम मज़ेदार नहीं है कि आज भी हम लोग साड़ी, धोती और लुंगी जो पहनते हैं, टर्बन जो पहनते हैं, वो अनस्टिचेज होता है, ठीक है। क्या होता है, अनस्टिचेज होता है, ये क्या बहुत ही ज़्यादा इमेजिन नहीं है, अब इमेजिन नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा बिना, जैसे कि क्या बोलते हैं, जो धोती होता है उसमें सिलाई उलाई नहीं होता, साड़ी में जो होता है कभी कहीं कहीं पर वो लोग ज़्यादा सिला उला नहीं, जैसा बना है वैसा ही पहनते हैं, ठीक है। प्लेस ऑफ अ फैब्रिक, पीस ऑफ अ फैब्रिक, जो कि कपड़ा होता है फैब्रिक का, फैब्रिक मतलब कि बहुत ही बड़ा कपड़ा, और इसके जो कट का कट पीस होता है उसे ही बना रहा है। तो यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि टर्बन, धोती, ये सब कट पीस ही आज भी पहन रहा है। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी इन द फूड, जस्ट एज देयर इन अ लार्ज वेराइटी इन द फूड, जैसा कि हम लोग देखे थे फूड वाले में कि बहुत सारे वैरायटी हमारे ऑल ओवर कंट्री में, अ लार्ज वेराइटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन अ फैब्रिक एंड द क्लॉथिंग टर्म्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ जैसे कि हम लोग खाने में देखे थे कि हमारे देश में ढेर सारा वेराइटी है, ठीक उसी तरीके से हम लोगों के कपड़े में भी बहुत सारा वेराइटीज है, हम लोगों के कपड़े में बहुत सारे कपड़े हैं पहनने को, ठीक है। जैसे कि अभी तो हम लोग देख चुके हैं कि कैसा कैसा होता है, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, कॉटन पहले रोल्स होता है, कॉटन रोल्स जो होता है उसका फिर गिनिंग किया जाता है, गिनिंग से बनता है फाइबर, और फाइबर को फिर स्पेनिंग किया जाता है, ठीक है, बुना जाता है, नाइटिंग किया जाता है, और स्पेनिंग से फिर बनता है यार्न बनता है, और यार्न से फिर नाइटिंग करके या तो फिर वीविंग करके मतलब बुनाई तुनाई करके फिर हम लोग का फैब्रिक बनता है, और ये फिर हम लोग पहनने लगते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स मेमोराइज कर लेना, कॉटन वूल, फैब्रिक, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग और यार्न, सबका डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं चैप्टर में,
समरी, देयर इज अ वेराइटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स और अ फैब्रिक, जैसे कि क्या बोल रहा है कि बहुत सारे क्लॉथिंग मटेरियल्स हैं और फैब्रिक भी हैं, ठीक है, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है और वूल है और पॉलिस्टर है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न, फैब्रिक जो बनता है वो किस चीज़ से बनता है भैया, यार्न से बनता है, फैब्रिक जो है किस चीज़ से बनता है, यार्न से बनता है, जो कि विच इज टर्न एंड मेड अप फ्रॉम फाइबर, जो कि किस चीज़ से बना होता है, फाइबर से बना होता है, फाइबर या तो नेचुरल हो सकता है या तो फिर सिंथेटिक हो सकता है, जो कॉटन, वूल और सिल्क और जूट है ये सब कुछ नेचुरल फाइबर्स हैं, जबकि नायलॉन, पॉलिस्टर जो है वो कुछ एग्जांपल हैं सिंथेटिक फाइबर्स की। फाइबर जैसे कि कॉटन, जूट, ये ऑब्टेन किए जाते हैं प्लांट से, और जो प्रोसेस होता है यार्न को बनाने का फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, द प्रोसेस जो प्रक्रिया है जिससे हम लोग यार्न बनाते हैं फ्रॉम द फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। देखो स्पिनिंग का यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगा, यहाँ से स्पिनिंग का डेफिनेशन, ठीक है। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड अप ऑफ अ वीविंग एंड स्टिचिंग, अब फैब्रिक जो यार्न होता है वो बनता है, फैब्रिक फ्रॉम यार्न्स, यार्न से जो फैब्रिक बनता है वो बनता है किस चीज़ से, तो वीविंग और नीटिंग से। यहीं पर देख लिया अभी हम लोग, यहीं पर अभी जस्ट देखें हैं कि कॉटन रोल होता है, कॉटन स्टॉल को गिनिंग किया जाता है, ठीक है, गिनिंग से फाइबर बनता है, फाइबर से स्पिनिंग करते हैं, स्पिनिंग से यार्न बनता है, अब यार्न से फिर नाइटिंग और वीविंग के जरिए फिर फाइबर बन जाता है जिसे हम लोग पहनने लगते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो भैया इस तरीके से हम लोग चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर दिए हैं, अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जो कि हम लोगों का चैप्टर नंबर 4 होगा।